हेलो नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल रेलवे क्रैकर्स में आपका। फ्रेंड्स, 20 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का मैं पेपर लेके आ चुका हूँ। फ्रेंड्स, पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार से थे, और याद रखिए फ्रेंड्स, बहुत जगहों में आज एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है, तो आपका कौन सा जगह था हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। और कुछ बच्चे मुझसे ये बोल रहे थे कि सर, आज जो मेरा एग्ज़ाम था वाराणसी में, वो कैंसिल हो गया है, पता नहीं किस वजह से। मुझे भी नहीं पता, मैं अभी पूरी जाँच पड़ताल करूँगा, उसके बाद आपको मैं इतला करूँगा किस कारण के वजह से ये जो है ना आपका ये बताया गया है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बताया गया है कि कुछ जगहों में एग्ज़ाम हुए हैं, जो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे क्वेश्चंस आए हैं, और वो क्वेश्चंस क्या क्या हैं मैं आपको फटाफट शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ओल्ड नेम ऑफ यूएसए, यूएसए को पहले कौन से नाम से जाना जाता था? तो यूनाइटेड कॉलोनी या ब्रिटिश कॉलोनी बोल के उसके नाम से जाना जाता था यूएसए को, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए फ्रेंड्स, 10:15 और सुबह के एग्जाम में आया था cos 15, ठीक है ना। तो चेंजेस कुछ नहीं होंगे, वो जो 15 आपको देखने को मिला बस वही रहेगा, जहाँ पर 10 जो है ना वो चेंज हुआ है, 10:15 का वैल्यू पूछा गया। अब देखिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन भी मैंने लिख के रखा हूँ। देखिए 10:15 को कैसे चेंज करना है, 45° - 30, तो ये हो जाएगा 15°। अब इसका फॉर्मूला होता है 10a - b, ठीक है। 10a - b का क्या फॉर्मूला होता है, 10a - b डिवाइड बाई 1 + 10a × 10b। याद रखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। आंसर में क्या निकला था, यहाँ पर मैं आपको ज़्यादा मैं बकवास तो करूँगा नहीं, आप आराम से इसको देख लीजिएगा, PDF तो आपको मिलता ही है, यहाँ से आप आराम से देखते रहिए कैसे आया है, किस प्रकार से आया। 10:45 का 1 आता है, 10:30 का आएगा 1/√3, 1 का 1 लिखा गया, 10:45 का 1 लिख देते हो, और 10:60 का क्या 1/√3, बस सिंपल सा करना है, आंसर आपका आ जाएगा 2 - √3, ये आपका आंसर हो जाएगा 10:15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, इसरो का फुल फॉर्म, देखिए इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि मैंने इसमें नहीं लिखा है, गलती हो गया, माफ करिएगा फ्रेंड्स। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अभी इसरो का देखिए क्या बोला गया था, इसरो का अगर पूछा जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो KC Sivan। देखिए रोज डेली एक न एक क्वेश्चन इसरो से आ रहा है। अभी देखिए फ्रेंड्स, चंद्रयान 2 से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये आज के दिन के एग्जाम में सेकंड शिफ्ट में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये भी एग्जाम में पूछे जाने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए फ्रेंड्स, नेवी SSR SSR में भी ये क्वेश्चन आया था, और MR के एग्जाम में भी आज ये पूछा जा चुका है, नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो कौन हो जाएंगे, समुद्रगुप्त, कौन हो जाएगा, समुद्रगुप्त, ठीक है। EVM का फुल फॉर्म, जो कि आपका डेली रिपीट हो रहा है क्वेश्चंस फ्रेंड्स, तो देखिए कुछ क्वेश्चंस क्या होता है, रिपीट हो रहा है AA SSR से। तो EVM का फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। एक क्वेश्चन फॉर्मूला देखिए, आप इसको क्या कर सकते हो, 1000 - 2 का फॉर्मूला लगा सकते हो स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A और B, तो A - B × A + B, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। उसमें आप करते जाइए, 996004 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ आया तो मैं आपको कमेंट में भी आंसर इसका बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो फ्रेंड्स, M1, L2, L2 और T - 2, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीक्रेट ऑफ कालीबंग, कालीबंग का सीक्रेट क्या है? तो ये मुझे आंसर नहीं मिला फ्रेंड्स, अगर आपको आंसर क्वेश्चन पता है अच्छे से तो आप हमें कमेंट करिएगा। हॉकी खेल का टाइम कितना होता है फ्रेंड्स? 4 क्वार्टर के 15 मिनट का क्वार्टर होता है, 1 क्वार्टर 4 क्वार्टर होते हैं, 15 × 60, ठीक है। पहले 70 मिनट था, अभी देखिए शायद चेंजेस हुए हैं, 60 मिनट हुए हैं, ठीक है ना। तो अभी बताइए मुझे कमेंट करके कितने मिनट हुए हैं, हॉकी खेल का टाइम कितना है। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, ठीक है, इनकी अभी ठीक है ना, याद रखिएगा इनका नाम, और भी गुजरात में इनका शिलान्यास भी हुआ है, अब इनका मूर्ति भी बनी हुई है बहुत बड़ी, ठीक है। सूडान की राजधानी पूछी गई थी, तो खार्टूम क्या हो जाएगा, खार्टूम आपका सूडान की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फ्रेंड, संतोष ट्रॉफी आपका फुटबॉल के खेल से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल गैस में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? तो मैं आपको फटाफट बता दूं, नेचुरल गैस में पाया क्या जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड और हीलियम, तो ये आपके नेचुरल गैस में पाए जाने वाले पदार्थ हैं,
सीबीआई एस्टेब्लिश डेट, तो सीबीआई जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो 1963 रखा गया था। तो फ्रेंड्स मुझे इतने क्वेश्चंस मिले हैं जो कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे, सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो आपको कितने पता है प्लीज हमें कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, जो कि मैं लास्ट शिफ्ट में जो बॉल शिफ्ट का क्वेश्चन वीडियो बनाऊंगा उसमें अभी आपको मैं इंश्योर कर दूं कि उसमें भी मैं आपको इंक्लूड कर दूंगा। तो जो चैनल में नए हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जो भी मैं लेके आता हूँ वीडियो ऑथेंटिकेट और रियल क्वेश्चन के साथ लेके आता हूँ। तो थैंक यू और थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।